Hey guys, hi, welcome back to my channel. I am Sayne. Amazon pe sale chal rahi hai and this is the best time to shop from Amazon aur kafi zyada discounted price pe aapko sare products mil jayenge. To main aaj aap logo ke sath festive wear kuch share karne ja rahi hu. Samne hi Durga Puja hai, fir Deepavali hai, to kafi zyada hame dresses ki zarurat padegi. So aaj main aap logo ke sath Amazon se purchase kiye hue kuch dress share karne ja rahi hu jo aap festive season mein pehen sakte hain. At the same time wo aap kisi bhi function ke liye wear kar sakte hain. So ye video bahut zyada helpful hone wali hai. Sare hi products under just 500 rupees hai aur abhi to sale bhi chal rahi hai to aapko sare products acche khase discount mein mil jayegi. और इन सारे प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली अमेज़न से परचेज भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला एक कुर्ता सेट मैंने परचेज किया है विच इज ऑफ दिस ब्यूटिफुल वाइन कलर और ये कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मेरा जो साइज है वो है एस साइज. इसमें थ्री पीस मिलेंगे आपको. एक है अनारकली सूट, दूसरा है ये प्लाजो एंड तीसरा है दुपट्टा. लेट मी टेल यू, इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका दुपट्टा, क्योंकि 2 मीटर की आपको दुपट्टा मिल रहा है जहां पर बहुत सुंदर बॉर्डर की गई है. इस तरीके की बॉर्डर है तो आप देख सकते है इस तरह के बॉर्डर आपको ओवरऑल दुपट्टा में मिल जाएगी और दुपट्टा इतना ज्यादा चौड़ा और बड़ा है तो अगर आप नमाज के लिए कुछ दुपट्टा लेना चाहते हैं या फिर आपको बड़े और बहुत ज्यादा यू नो लंबे दुपट्टे पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं. बहुत खूबसूरत है. बट इसका जो सूट है वो अनारकली स्टाइल है. मेरा साइज है एस तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं. द कलर इज सो ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा ब्राइट एंड फेस्टिव कलर है और मैंने इसे ना वॉश किया था तो उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ. और ये थोड़ा सा आपको आयरन करके पहनना पड़ेगा क्योंकि इसका मटेरियल कॉटन टाइप्स है. कॉटन और रेयन मिक्स्ड मटेरियल है, प्योर कॉटन नहीं है तो कलर फेड इसीलिए नहीं हुआ है. और इसके जो स्लीव्स है थ्री फोर्थ स्लीव्स है एंड स्लीव्स पर भी आपको इस तरीके की बॉर्डर मिल जाएगी जो इसको एक गोल्डन टच इसमें दिया है जो एक फेस्टिव वाइब भी दे रहा है. और सामने आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के बटन डिटेलिंग है जो ओपन आप नहीं कर सकते, ये जस्ट फॉर शो है ये बटन्स. और नीचे आपको जो वेस्ट रीजन है ना, बस रीजन के ठीक नीचे आपको यहाँ पर एक सिलाई दी गई है जहां से बहुत ज्यादा फ्लेयर स्टार्ट हो रही है. ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें तो उतना ज्यादा फ्लेयर नहीं है, इसका जो घेरा है वो यहां तक है, मतलब यहां से स्टार्टिंग और यहां तक है. तो ये मेरे लिए तो ये एस साइज का है. आई थिंक एल साइज अगर आप मंगाते हैं तो उसमें घेरा आपको और ज्यादा मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप. तो आई थिंक ये एस साइज है इसीलिए इसका घेरा इतना है. थोड़ा सा ज्यादा घेरा मिलता तो इट वुड हैव लुक्ड ऑसम, बट स्टिल ये काफी खूबसूरत दिख रहा है मेरे ऊपर. मैं यहाँ पर एक पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं. मैंने इसे दिल्ली में वेयर किया था जब हम लोग जमा मस्जिद गए थे, क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप इसे एकदम अच्छी तरीके से वेयर कर सकते हैं. मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है. अब आते हैं इसके बॉटम वेयर पे. इलास्टिकेटेड वेस्ट है इसकी और मेरा साइज है एस. यू ऑल कैन सी यहाँ पर लिखा भी है एस साइज. बॉटम की जो फिटिंग है वो मुझे कुछ खास नहीं लगी क्योंकि इसमें उतना फ्लेयर नहीं है. ये एकदम स्ट्रेट बॉटम है एज यू कैन सी हियर. प्लाजो में जो फ्लेयर आता है वैसा फ्लेयर इसमें नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है. नीचे के पोर्शन में भी आपको इस तरीके की बॉर्डर मिल रही है तो ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखेगा. सो आई थिंक ओवरऑल ये एक फेस्टिव पीस है. अगर आप कुछ कंफर्टेबल पहनना चाहते हैं फेस्टिव सीजन में तो डेफिनेटली गो फॉर दिस. इसके साथ अगर आप एक्सेसराइज करते हैं अच्छी तरीके से, आप खूबसूरत सा मेकअप करते हैं, देन बहुत खूबसूरत दिखेगा. नेक्स्ट अगेन एक कुर्ता सेट मैंने मंगाया है जो कि ये वाला है जिसका बॉटम है बिल्कुल व्हाइट कलर का, प्लेन व्हाइट बॉटम है. इलास्टिकेटेड वेस्ट है और इसका जो साइज है वो है एल, क्योंकि मैंने इसे अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर किया है तो मैं इसे पहनकर नहीं दिखा पाऊंगी. बट ये बहुत खूबसूरत दिखता है मेरी मम्मी के ऊपर. हालांकि इसका जो अपर पोर्शन है उसका कलर मुझे लगा था कि लाइट ब्लू आएगा, बट इसका कलर थोड़ा सा कॉन्वेंट कलर है, मतलब थोड़ा सा डार्क ब्लू है, एकदम स्काई ब्लू नहीं है. बट प्लाजो का जो फ्लेयर है वो काफी ज्यादा है, बहुत अच्छा फ्लेयर है इसमें.
और इसके प्लाजो के नीचे के पोर्शन में इस तरीके के गोल्डन डिटेलिंग, जरी की डिटेलिंग है जो कि इसको एक काफी फेस्टिव लुक दे रहा है। सो प्लाजो इसका काफी खूबसूरत है। इसका जो अपर पोर्शन है उसका कलर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का कलर है उसका। मुझे लगा कि ये एकदम स्काई ब्लू टाइप से आएगा बट थोड़ा सा इसका कलर डार्क है। ओवरऑल इसमें ये गोल्डन डिटेलिंग की गई है, ये प्रिंट्स है लेकिन प्रिंट्स के ऊपर इस तरीके के मिरर डिटेलिंग भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये एकदम फेस्टिव पीस है और इसका जो मटेरियल है वो रियॉन है, तो काफी कंफर्टेबल है, आप इसे डे टाइम में वेयर कर सकते हैं। तो अगर दुर्गा पूजा में आप दिन में बाहर जा रहे हैं तो आप इस तरीके का बहुत खूबसूरत फेस्टिव एक कुर्ता सेट ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था तो आप इसके साथ किसी भी कलर का दुपट्टा जैसे व्हाइट कलर या फिर गोल्डन कलर का दुपट्टा पेयर कर सकते हैं। मिरर वर्क वाले जो दुपट्टा आते हैं ना मल्टी कलर में, वो भी ट्राई कर सकते हैं, इट विल लुक ऑसम। और इसका प्राइस भी 500 के नीचे है, सो आई थिंक दिस इज वर्थ इट। नेक्स्ट मैंने एक दुपट्टा लिया है और ये दुपट्टा मिरर डिटेलिंग में है, बहुत खूबसूरत है ये दुपट्टा। एंड ये 2 मीटर का है तो ये काफी लंबा भी है और चौड़े में भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा, इसका विड्थ भी काफी अच्छा है। एंड ओवरऑल इसमें इस तरीके की डिटेलिंग की गई है जो कि इसका जो लुक है वो काफी खूबसूरत आ रहा है। एंड ओवरऑल इसमें मिरर वर्क भी है और पूरा थ्रेड वर्क है, ये सारे प्रिंट्स नहीं है, ये बिल्कुल थ्रेड वर्क है। और इसमें कई सारे कलर्स भी अवेलेबल है, ये बिल्कुल कॉटन का है तो ये व्हाइट कलर है, कलर फेड इसका नहीं होगा, सो दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ चूजिंग व्हाइट। और इसमें कई सारे और कलर ऑप्शंस भी है वो मैंने ट्राई नहीं किया तो शायद उनमें कलर फेड हो सकता है, बट इसको मैंने वॉश भी किया है, इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। एंड दिस इज सो कंफर्टेबल, आप इसे किसी भी कलर के चूड़ीदार के साथ, किसी भी कलर के कुर्ती के साथ, इनफैक्ट ब्लैक कलर की कुर्ती के साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं, इट विल लुक अमेजिंग। मैं जब ताजमहल गई थी ना तो मैंने इसे एक पीच कलर के कुर्ती के साथ पेयर किया था एंड बहुत खूबसूरत इसका लुक भी आ रहा था, एंड इट इज सो कंफर्टेबल, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक प्लाजो ऑर्डर किया है जो कि व्हाइट कलर का है। प्लाजो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, इन सब यू नो कॉमन कलर्स में आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए क्योंकि काफी सारे कुर्ते के साथ आप इन्हें पेयर कर सकते हैं। एंड ये जो प्लाजो है ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट मटेरियल का है, ये रेयॉन मटेरियल है और इसमें जो फ्लेयर है ना आप लोग देखिए, जस्ट इसका फ्लेयर इतना खूबसूरत है, आप इसे किसी भी डिफरेंट कलर में जैसे मरून कलर में इसे ट्राई कर सकते हैं और ये एज अ स्कर्ट भी काफी खूबसूरत दिखेगा किसी भी टॉप के साथ या शॉर्ट कुर्ती के साथ। इलास्टिकेटेड वेस्ट है, इसका साइज है एल साइज क्योंकि मैंने इसे अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर किया है और इसका मटेरियल भी काफी सॉफ्ट है, कुछ बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं है, वेल स्टिच्ड है ये मैं बता सकती हूँ, स्टिचेस एकदम पक्के हैं तो ये गुड क्वालिटी है एकदम। तो आप इस तरीके के प्लाजो, बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी फेस्टिव हॉल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय एंड बाय।